नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और अभी अभी मैंने फिल्म देखी है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। एक धर्रे की कहानी देखने की यदि देखने के बाद आप कहते हैं कि नई कहानी नहीं आती है, तो अब असल ज़िंदगी की कहानियों को निर्देशक निर्माता बनाने का एक साहस जुटा रहे हैं और ऐसी एक कहानी वो लेकर आए हैं मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। कहानी क्या है, जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि एक असल ज़िंदगी की कहानी है, जिसमें एक शादीशुदा महिला अपने दो बच्चों को, जिसे नॉर्वे सरकार सिर्फ इसलिए अपने संरक्षण में रखती है कि उनको लगता है कि वो परिवार बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये लड़ाई अपने बच्चों को, एक 5 महीने की बच्ची और एक उससे बड़ा बच्चा, उनको पाने की जो जद्दोजहद और जो संघर्ष है, इसकी कहानी है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और इस कहानी को बखूबी निर्माता, निर्देशक, एक्टर्स, पूरी टीम ने बहुत अच्छे से दिखाया है। कुछ कलाकारों के नाम हमको नहीं पता है, लेकिन जो कलाकारों का चयन किया गया है वो बहुत ही खूबसूरती से किया गया है, चाहे वो जज हों, चाहे जिम सरफ जैसे एक्टर हों जो कि लॉयर बने हैं, या फॉरेन के जो लॉयर्स हैं, जो फॉरेन के बच्चों के वहाँ के जो टीम में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग, तो बहुत अच्छे से इसकी कास्टिंग की गई है। आपको हर चेहरा, हर कलाकार प्रभावित करता है, चाहे वो इंडिया में मिसेस चैटर्जी की लॉयर हों, चाहे रानी मुखर्जी की बात हम लास्ट में करेंगे, चाहे जिम सरफ एक जो लॉयर के की भूमिका में है, चाहे वो वहाँ के जज हों या भारत के जज हों, बहुत छोटे छोटे से जो छोटे छोटे रोल हैं लोगों के, वो सब आपको आपके दिल में छूते हैं। रही बात रानी मुखर्जी की, तो रानी मुखर्जी एक्टिंग का गुर बहुत अच्छे से जानती हैं और उन्होंने वो अपनी पहली फिल्म से साबित कर दिया था। वो कभी भी उनके एक्टिंग को लेकर कभी कोई बात नहीं की गई हो, कोई फिल्म ना चली हो अलग बात है, लेकिन रानी ने हमेशा अपनी कलाकारी से, अपनी एक्टिंग से अपनी शानदार एक्टिंग दिखाई है और अपना हक खुद मांगा है लोगों से, क्योंकि वो एक अच्छा अभिनय करती हैं। तो ये तो रही मेरा रिव्यू कि मुझे फिल्म कैसी लगी, और मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देता हूँ, लेकिन दूसरे जो फिल्म क्रिटिक हैं उन्होंने भी यह फिल्म देखी है। आइए चलते हैं उन तमाम फिल्म क्रिटिक से जानते हैं कि उन्हें यह फिल्म कैसी लगी। तो दोस्तों, आज हमने देखी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, एक ऐसी फिल्म जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो एक वुमेन की लाइफ को दर्शाता है कि जब वो माँ है तो वो एक पूरे देश से लड़ जाती है अपने दो बच्चों के लिए। तो जो मैं फिल्म के बारे में बात करूं, तो फिल्म का जो डायरेक्शन है अमेजिंग है, फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर सीन को ऐसे दर्शाया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सीन आपके सामने रियल में हो रहा है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक और डायरेक्शन का जो इसमें एक मतलब एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जो कॉम्बिनेशन देखा गया है वो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं फिल्म की अदाकारा की, जो मेन लीड है रानी मुखर्जी, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है हमें पता है, पर रानी मुखर्जी का एक पहलू देखा जाएगा यहाँ पे। रानी मुखर्जी रियल लाइफ में भी एक मदर बन चुकी हैं और स्क्रीन पे उन्होंने इस किरदार को जिस तरह से निभाया है, जिस तरह से बखूबी निभाया है, मैं हैंड्स डाउन मैं बोल सकती हूँ कि शायद ही कोई एक्ट्रेस इतनी बखूबी से इस काम को कर पाएगी। एक एक सीन में उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके फेस एक्सप्रेशन, जहाँ उन्हें सटल होना था वो सटल हुई हैं, जहाँ उन्हें एक मदर्स लव दिखाना था और एग्रेशन दिखाना था उन्होंने वो किया है। फिल्म के बाकी के किरदारों की बात करें तो नीना गुप्ता का एक छोटा सा रोल है, कैमियो है, बट बहुत ही पावरफुल रोल है, वो एक मिनिस्टर का रोल कर रही हैं। रानी मुखर्जी के जो हस्बैंड है उनको थोड़ा सा ग्रे शेड दिया गया है, बट उन्होंने वो ग्रे शेड भी बखूबी निभाया है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, और दो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जो फिल्म का म्यूज़िक है, अब म्यूज़िक की बात करते हैं, म्यूज़िक बहुत इमोशनल है, तो ये एक ऐसा म्यूज़िक चुना गया है फिल्म में कि वो हर फीमेल को टच करेगा, चाहे आप मदर हैं, नहीं हैं, आप डॉटर हैं, सिस्टर हैं, माँ हैं, दीदी हैं, बहन हैं, दादी हैं, नानी हैं, हर फीमेल के इमोशन को ये टच करेगा, सेंटिमेंट्स को टच करेगा, क्योंकि विमेन हैव दैट फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि औरतों की जो फेमिनिन एनर्जी है उसे टच करेगा। बहुत ही अच्छी फिल्म है, और सबसे अच्छी बात मैं बोलना चाहूँगी, जिम जो एक्टर हैं, जो नॉर्वेनियन एक्टर बने हैं, उनका जो एक्सेंट है, डायलॉग डिलीवरी है, चाहे वो नॉर्वेनियन उनके डायलॉग्स हों, चाहे वो इंग्लिश हों, चाहे वो हिंदी हों, उन्होंने बखूबी निभाए हैं, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। ऑल इन ऑल एक बहुत ही इमोशनल और एक
विमेन एनर्जी को, मदर्स के प्यार को दर्शाती हुई एक फिल्म है जो बहुत अच्छा एक मैसेज देती है कि माँ से, माँ के प्यार से बढ़कर ना तो कोई देश है, ना कोई कास्ट है, ना कोई क्रीड है, जाति और देश सबसे ऊपर है माँ का प्यार, यही फिल्म का एक मॉरल है। और अपने बच्चों के लिए माँ कुछ भी कर जाएगी, एंड इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, मस्ट वॉच। और मेरे हिसाब से फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स मिलते हैं। मैं डायरेक्टर की तारीफ करना चाहूँगी कि उन्होंने रानी को इस फिल्म में एक सहज मदर की तरह ही रखा है। उनको कहीं भी रानी मुखर्जी या एक हीरोइन के रूप में पेश नहीं किया, और रानी ने भी अपना जो किरदार है वो जैसे सागरिका के किरदार में घुस गई थी। उन्होंने कहीं भी अपने जो नायिका होने का जो गुरूर है वो इस किरदार के बीच में लाने नहीं दिया। जहाँ उनको लाउड मदर बताया गया है तो बहुत सारे जो समीक्षक हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि वो थोड़ा उनका कैरेक्टर लाउड था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी माँ से उसके बच्चे छीन लिए जाए तो इतना लाउड होना बहुत ही स्वाभाविक है। हमारे देश में तो ऐसा भी हुआ है कि माँ शेर से लड़ गई हैं। हमने शकुंतला को देखा है कि शकुंतला ने जो भरत या बाद में उन्हीं के नाम पर भारत बना, तो उन्होंने जंगल में किस तरह से अकेले अपने बेटे की परवरिश की है और शेर के मुंह से दांत गिनना सिखाया है। तो यहाँ भी वो एक मदर के रूप में शेरनी थी जो अपने बच्चों को नॉर्वे या एक विदेशी राष्ट्र से अपने बच्चों को शेर के जबड़े से छीन के लाने से भी बड़ा दुरूह काम किया। जहाँ तक फिल्म की बात है तो फिल्म में कहीं ऐसा नहीं रखा गया कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करके, वो सिंपल मदर थी तो सिंपल मदर एंड तक रहीं। और क्या कहा जाए, बहुत बढ़िया से इस चीज़ को पेश किया, और मैं तो इसको 4 से नीचे दे ही नहीं सकती, क्योंकि इस तरह की फिल्म को डॉक्यूमेंट्री बनने से उन्होंने बचाया रानी मुखर्जी ने। काश कि बहुत कम इसमें ऐसे कलाकार हैं जो नोन है चेहरे, अगर वो नोन चेहरे होते तो थोड़ा सा ज़्यादा रुचिकर बनती फिल्म। हालांकि वो थे, जिम सराफ थे और भी एक दो लोग थे, लेकिन बहुत कम इंडियन चेहरे जो सिनेमा के हैं वो कम थे, ये मेरे को एक थोड़ी सी कमी लगी। इतना भी रियलिस्टिक नहीं बनाए कि वो फिर थोड़ी सी बोरिंग हो जाए, लेकिन रानी मुखर्जी ने जो अपने भाव रखे शुरू से एंड तक वो पूरी तरह से बांधे रखा, और इस फिल्म को अलग से किसी सिनेमेटिक लिबर्टी की ज़रूरत नहीं, बहुत बढ़िया फिल्म थी। मैं जहाँ तक स्टार देने की बात है तो मेरी ये औकात नहीं है कि एक माँ को उसके संघर्ष पर जो इतनी अच्छी कहानी है उस पर स्टार दूँ, लेकिन मैं इसको 4 से कम तो बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। फिल्म कहीं कहीं थोड़ी सी स्लो थी और कुछ चीज़ें थी जो खटक रही थी, उसमें एक काटा जा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। लेके आई हूँ मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, एक ऐसी फिल्म है जो आई ओपनर है, जो महिलाएं अपनी फैमिली को, मतलब लोगों को ब्लाइंडली बिलीव करके परदेश जाती हैं, रहती हैं, उनको उनके लिए ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिस जो सीख सिखाती है, और एक ऐसी माँ की कहानी है जो मतलब वो डरती नहीं है, निडर होके मतलब लॉ तोड़ती है, सब तोड़ती है अपने बच्चों के लिए, और ऐसा एंड वो भी नहीं है कि मतलब तीन घर से घर वालों से लड़ती है, देश से लड़ती है, परदेश से भी लड़ती है, और कैसे वो विनर आती है, बिकॉज शी जस्ट अ मदर। एंड जो एंड मैं और क्या बोलूँ उसके बारे में, रानी मुखर्जी इज़ सिंपली आउटस्टैंडिंग, शी प्लेज मिसेस चैटर्जी थ्रू द टी। आई थिंक सागरिका जिनका कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, वो तो एकदम उन्होंने पूरा जस्टिस किया उनके कैरेक्टर को। एंड ऑफकोर्स जिम शार्प इज़ वेरी गुड एज अ लॉयर, आई रियली लाइक, जो छोटे से रोल में है बट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल रोल है। एंड अनाशिमा चिब्बर, फुल मार्क्स टू यू फॉर टेलिंग द स्टोरी द वे इट हैज़ बीन टोल्ड। मैं फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स देती हूँ। मैंने अभी ये फिल्म देखी, काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी मैं, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है, रियल बेस्ड है, मिसेस चटर्जी विजिज नॉर्वे,
वो पिक्चर देखने के बाद मुझे पहली बार लगा कि अच्छा हुआ मैं इंडियन हूँ क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे प्रोफेशनल होते हैं, मतलब इंडिया में तो बंदर भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ता बंदर, शेर, हिरन सब बच्चे को चिपका के रखते हैं, लेकिन फॉरेन में बोलते हैं कि कैरियर बना सकते हैं कि नहीं तो बच्चे को उस हिसाब से दूसरे माँ बाप के पास भेजो मैं बोला ये तो बड़ा गलत है यार, इंडिया में तो ये सब नहीं होता। तो इंडिया इस हिसाब से बहुत अच्छा है सबसे पहले तो मैं बोलूँगी। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट लिया है और जो वो लड़की ने डेयरिंग की है तो उसको मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी कि उसने हार नहीं मानी और अपने दोनों बच्चों को, रियल जो है, रियल चटर्जी है, और दोनों बच्चों को वापस लेके आई, तो ये बहुत बड़ी एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात ये है कि रानी मुखर्जी ने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया है, मुझे लगता है उनको इस फिल्म के लिए ज़रूर अवार्ड मिलेगा। और इतने टाइम के बाद वो आई, और जैसे लोग ड्राइविंग कर सीख लेते हैं तो कभी भी नहीं भूलते, वैसे वो एक्टिंग कभी भी नहीं भूलेंगी, उन्होंने इतने टाइम के बाद आई लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनकी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस थी। और सबसे मेन चीज़, पिक्चर इतनी स्लो थी लेकिन उसको बांध के रखा कि पूरी पब्लिक रो रहा, मैंने घूम के देखा तो सब रो रहे थे, तो सबके आंखों में आंसू थे। तो एक स्लो फिल्म को पब्लिक को बिठा के रखना बहुत बड़ी बात है, तो उस हिसाब से मैं इस फिल्म को 3.5 दूंगी। और बाकी पर अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ी स्लो है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से वैसा डांस वांस तो दिखा नहीं सकते बीच बीच में, तो एकदम प्रैक्टिकल फिल्म है और जीत की फिल्म है, एक औरत की जीत है, तो इस हिसाब से मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी माँ अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो ज़रूर इस फिल्म को देखने आए, और मज़ा आएगा देखने में, और वो भी ज़रूर रो के जाएंगे, रुमाल साथ में लेके आए थैंक यू वेरी मच। लाजवाब फिल्म, ऐसा बांध के रखती है आप उठ नहीं सकते बीच में से, रानी ने कमाल कर दिया है। इसकी जो एक टिपिकल बंगाली लेडी की एक हिंदी की डायलॉग डिलीवरी होती है, बड़ी अच्छी तरह उसने निभाया, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग है। और इसकी थीम बहुत अच्छी ली गई है, एक रियल स्टोरी पर आधारित है। इसमें ये दिखाया गया कि एक इंसान, एक आदमी शादी करता है, फॉरेन में सेटल होना चाहता है, लेकिन एक सिटीजनशिप का जो उसमें एक नशा सवार है कि मुझे इस कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है, उसे बच्चों तक को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि बीबी को पागल डिक्लेयर कर देता है। मतलब ये एक पराकाष्ठा एक इंसान की अपने लिए खुदगर्जी की, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है, सबकी एक्टिंग अच्छी है, सबने अच्छा किरदार निभाया, और कोर्ट सीन बहुत अच्छे हैं, तर्क बड़े अच्छे हैं, तर्क वितर्क बहुत बढ़िया हैं, और हम तो चाहेंगे लोग देखें इसे। अब मनोरंजन के हिसाब से तो आप इसको कुछ नहीं कह सकते, ये भैया एक सीरियस मूवी है, एक मैसेज देती है, संदेश देती है, और ज़बरदस्त पिक्चर है। 5 में से 4 स्टार तो हम चाहते हैं इसको मिलने चाहिए, और चाहते ही पब्लिक आए देखे सिनेमा हॉल में। ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, आई जस्ट केम आउट ऑफ द थिएटर्स वॉचिंग मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। मेरे हिसाब से ऐसी फिल्म्स और बननी चाहिए। ये फिल्म जो है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और जो मिसेस चैटर्जी थी वो असलियत में थी, ये कोई मनगढ़ंत फिक्टिशियस कैरेक्टर है नहीं। और मेरे हिसाब से द वे रानी मुखर्जी जिस तरह से किरदार को निभाई है, जिस तरह से वो जो इन बंगाली वैसे बंगाली आना वो चीज़ को उभारा है किरदार में, मुझे उससे मतलब यही उम्मीद थी। और द इंटायर फिल्म हैज़ जस्ट रानी मुखर्जी, जो भी बाकी सारे कैरेक्टर्स थे वो साइड लाइन थे, एंड दिस इज़ मतलब ये इसका भी मुझको उम्मीद था कि यही होने वाला है और वही हुआ। हालांकि द काइंड ऑफ एक्ट्रेस दैट शी इज़ एंड द मेटल दैट शी हैज़, शी इज़ एग्जिबिटेड अ मेटल, उन्होंने वो क्या कर सकती है वो पहले भी दिखाई, और इस फिल्म के साथ हम लोगों को कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। शी वी ऑल नो दैट शी इज़ अ वंडरफुल, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस है। और उसके अलावा मैं और फिल्म के बारे में बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो देखने, दिस इज़ एक्चुअली वेरी रियल फिल्म, और रियल फिल्म का मतलब इट्स नॉट अबाउट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री फॉर दैट मैटर। ऐसा होता आया अभी रिसेंट टाइम्स पे, जहाँ पर यू नो वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव फेसबुक, और वी हैव सो मेनी सोशल मीडिया यू नो प्रोफाइल्स एंड अकाउंट्स फॉर दैट मैटर, जहाँ पर आए दिन हम लोग देखते हैं कि यू नो इमिग्रेशन के लिए इन्वाइट्स आते रहते हैं,
बुलावा आता है कि यू नो इफ़ यू कम डाउन टू आवर प्लेस वी विल बी पेइंग यू सो मच एंड देन यू कम एंड स्टे एंड एक्सपीरियंस एंड ऑल. जब तक अदरवाइज बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत रोजी और सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जब तक तुम अंदर जाके वहाँ पर जाके चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते, उसमें उस जगह में ढाल नहीं लेते पूरी तरह अपने आप को, तब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि असलियत में माजरा क्या है. दिस इज जस्ट वन चंक ऑफ रियलिटी एंड अ हार्ड हिटिंग वन एट दैट. And this is a very brave film to be made, and director Nicolas Advani has done a fabulous job. और मैं इस फिल्म को 5 stars में से 4 देना चाहूँगा.